नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन यानी एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कंपोनेंट समझ रहे थे। आज मैं इसका एक और कंपोनेंट समझाने वाला हूं और ये कंपोनेंट पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका नाम है नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर। डिफरेंट टाइप के एवोपरेटर चल रहे हैं, जिसमें सेकेंड टाइप का आज मैं समझा रहा हूं और दोनों एक साथ समझा रहा हूं, नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर। चलते इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर मैंने दोनों डायग्राम लिए हैं, एक यहां पर नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर का डायग्राम लिया है, इधर का लिया मैंने फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर का। जब भी एग्जाम में पूछे जाते तो आप इसी तरह दोनों डायग्राम बना के समझा सकते हैं। एवोपरेटर का फंक्शन मैं बार बार बताता हूं, यहां पर भी बता रहा हूं कि एवोपरेटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर से जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है वह गुजरता है और उसके आसपास के एनवायरमेंट की हीट को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। और इसके एवोपरेटर के आसपास की चीजें क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। यहीं से इस जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर की हीट को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, अपनी बाहर निकाला जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो एवोपरेटर है, यहाँ पर दो टाइप्स के हमने नाम बताए, एक तो हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया फोर्स। तो नेचुरल को सबसे पहले समझते हैं। नेचुरल और फोर्स से आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि नेचुरल मतलब अपने मतलब उसकी जो भी अपने आधार पर काम करना, फोर्स मतलब बाहर से कोई एक्स्ट्रा बल लगाना या फोर्स लगाना। तो नेचुरल यहाँ पर आप दिख रहा होगा जो एवोपरेटर होता है, इसके जो यहाँ वस्तुएं रखी रहती हैं, जो कैबिनेट बनी हुई जैसे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ की जो हीट फ्लो होगी, जो भी यहाँ पर जो कैबिनेट के अंदर जो भी यहाँ पर वस्तुएं रखी हैं, वह नेचुरली एयर के थ्रू होगी बाहर की ओर, कह सकते हैं यह एवोपरेटर की ओर। तो यहाँ पर इस तरह इसका कंस्ट्रक्शन बना के दिखाया गया कि यहाँ पर एवोपरेटर लगा हुआ है, उसके बीच में एक प्लेट लगा दी गई है और एक तरफ रास्ता हॉट एयर का बना दिया गया और एक तरफ क्या होगा, कोल्ड एयर का। कोल्ड एयर कहाँ से आती है, बाहर से आती है अंदर, और हॉट एयर कहाँ जाती है, इसके बाहर जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन जो कोल्ड एयर अंदर से बाहर से अंदर आ रही है और हॉट एयर जो अंदर से बाहर जा रही है, इन नेचुरली फ्लो हो रही है, किसी भी बाहर से फोर्स की आवश्यकता या फिर अंदर से निकालने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो जहां नेचुरल एयर फ्लो हो रही है एवोपरेटर के आसपास, बोल सकते हैं वह नेचुरली हो रही है, जो भी हमारी इन्वायरमेंटल एयर है, तो वह क्या कहलाता है, हमारा नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर। ये जो नॉर्मली हमारे घरों में एवोपरेटर यूज किए जाते हैं, उसमें नेचुरली एयर फ्लो होती है। जैसे हम देखते हैं बाहर से जो लगा खुला रहता है कैबिनेट, वहां से अंदर ठंडी ठंडी एयर जो रहती है वह अंदर आती है, और जो अंदर गर्म एयर होती है एवोपरेटर के थ्रू वह कहाँ चली जाती है, बाहर आती है। तो जो यहाँ पर कैसे रास्ता है, यहाँ पर बनाया गया और यहाँ से बाहर बनाया गया। तो समझ में आया होगा नेचुरल फोर्स कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर क्या होता है। इस तरह फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर, फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर क्या होता है, जहां पर हमें बहुत बड़े बड़े काम होते हैं ऐसा कह सकते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, फोर्स का मतलब हमें ब्लोअर या फैन के थ्रू हमें क्या करना है, एयर को सप्लाई करना होता है। फैन या ब्लोअर के थ्रू हमें क्या होता है, एयर को सप्लाई करना होता है, मतलब बाहर की एयर को अंदर खींचना और फिर वही अंदर के अंदर सीधा क्या बाहर निकल जाना। एक किसके थ्रू करेंगे हम, एक फैन या फिर ब्लोअर के थ्रू करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर डायग्राम एक बना दिया गया, ये फैन आपको दिख रहा होगा, यहाँ कैबिनेट है, इस फैन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एयर यहाँ से पास करवा रहे हैं, जिससे क्या एवोपरेटर ज्यादा से ज्यादा जो भी है वहां पर ठंडा कर सके और हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। तो ये अब जो क्या होते हैं, जो फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर होते हैं, इनके क्या होते हैं, थ्री टाइप से काम करते हैं। एयर का जो फ्लो होता है वो थ्री टाइप का होता है, तो इनको एयर को थ्री टाइप का होता है, इनका मैं समझाऊंगा अभी, या फिर आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं, उसमें जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है यहाँ पर जो नॉर्मली जो हमारी एक तो होती है लो एयर कंडीशन, एक होती है मीडियम कंडीशन, एक होती है हाई। तो जो लो एयर कंडीशन होती है जहां पर हमें शोर नहीं करना हो, मतलब जहां पर बहुत सारा, क्योंकि फैन चलेगा तो आवाज होगी, तो इसलिए जहां पर बहुत कम स्पीड से फैन चलाना, उस वो आता लो में, और मीडियम या फिर हाई है वहां पर जहां पर शोर अलाउ हो, मतलब नॉइज अलाउ हो, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, मीडियम या जो हाई स्पीड वाले फैन को यूज कर सकते हैं। इसका डाटा पूरा आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, किस तरह हमें लिखना है इसमें, किस तरह एक्सप्लेन करना, सब कुछ मिल जाएगा। नेचुरली नॉर्मल समझाने के लिए मैंने समझा दिया कि दोनों में क्या अंतर होता है और कैसे काम करते हैं, बस सिर्फ एयर का फ्लो हमें समझाना है
कि इसके अंदर नेचुरली हमारी जो इन्वायरमेंटल एयर है वो फ्लो हो रही है और इसके अंदर हमारी किसी फैन से या फिर ब्लोअर से फ्लो होती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।